Hello students, today I am going to explain you lesson 3, Glimpses of the Past, written by S.T. Sawant. This lesson gives us a short description of event that took place in our country from the year 1757 to 1857, when East India Company was ruling over India, and how they came here and settled and exploited Indians, and what all reason lead to the widespread revolt which was known as the First War of Independence. All these things we are going to understand through this lesson. And this lesson is being given in a picture story to make the history of India interesting for you. So let's start the lesson. This lesson is started with the martyrs. This scene, which you can see here, represent a function that took place in Delhi, in which Lata Mangeshkar is singing a patriotic song, "Ae Mere Watan Ke Logo," and you can see Pandit Nehru, Jawaharlal Nehru, and Lal Bahadur Shastri, and Indira Gandhi is sitting in this they are present in this function. And it is said that after listening this song, "Ae Mere Watan Ke Logo" by Lata Mangeshkar, Nehru's eyes were filled with tears. Secondly, we will learn about the company's conquest means adhikar jamana, 1757 to 1849, कैसे कंपनी ब्रिटिश आए इंडिया में और वो अपना यहाँ पे अधिकार जमा लिए. वी विल बी रीडिंग इन दिस द कंपनी कन्क्वेस्ट. सो इन ईयर 1757 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन इंडियन हिस्ट्री. इन दिस ईयर British East India Company started ruling over part of the Indian subcontinent. So, इस year में British India Company start करते हैं rule कुछ parts में. Generally, they started ruling over the coastal area. पहले तो वो coastal area में आते हैं और settle होते हैं और वहीं पे अपना rule करना start करते हैं. And after that, they began to expand their dominance in India. पहले तो वो coastal area में settle होते हैं और कुछ अपने companies वहाँ पे set up करते हैं और फिर धीरे धीरे वो बाकी India के other states में भी अपने company set up करते हैं और वहाँ पे अपना rule करना स्टार्ट कर देते हैं. सो हाउ दे हैव डन दिस, देर आर सेवरल रीज़न. वो सब कैसे करते हैं इसके लिए बहुत सारे रीजन्स हैं. लाइक दे वर हैविंग सुपीरियर वेपन्स, उनके पास वेपन्स थे, सुपीरियर वेपन्स थे जो इंडियंस के पास नहीं थे. दे टुक एडवांटेज ऑफ डिस्टर्ब सर्कमस्टेंसेस अमंग द इंडियन. सो जो इंडियन प्रिंस थे वो आपस में लड़ते रहते थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करके उस पे उसके राज्य पे अपना अधिकार जमाना चाहता था. तो इन दिस वे इंडियन प्रिंसेस वेर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, दे वेर ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट बेनिफिट. वो सिर्फ अपने प्रेजेंट बेनिफिट के बारे में सोचते थे, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे. सो प्रिंसेस वेर टेकिंग हेल्प. सो व्हेन प्रिंसेस सॉ दैट ब्रिटिशर्स आर हैविंग सुपीरियर वेपन्स, दे स्टार्टेड टू टेक हेल्प फ्रॉम देम इन फाइटिंग अगेंस्ट अदर रूलर्स. वो जब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छे हथियार है तो वो उनका हेल्प लेते हैं ताकि वो दूसरे प्रिंस से लड़ाई कर सके और उन्हें हरा सके और इस तरह से उनके ऊपर अपना अधिकार जमा सके. और ब्रिटिशर्स भी ऐसे प्रिंस की हेल्प करते हैं और फिर उन प्रिंस को अपने कंट्रोल में कर लेते थे. प्रिंस लाइक टीपू सुल्तान, ही अंडरस्टूड देयर पॉलिसी
तो प्रिंस जो टिप्पू सुल्तान थे वो ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी को समझ चुके थे और फिर ब्रिटिशर्स से वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हैं। ड्यूरिंग दिस ईयर टू टाइप्स ऑफ पीपल वेयर देयर इन द सोसाइटी, दो तरह के लोग इस ईयर में क्या हुआ था, दो तरह के लोग सोसाइटी में हुआ करते थे। पहले तरह के लोग ये सोचते थे, मतलब कुछ लोग ये सोचते थे कि भगवान ने बहुत ही अच्छा किया जो ब्रिटिश को यहाँ भेज दिया है, मतलब इंडिया में भेज दिया है, क्योंकि वो लोग बहुत ही परेशान थे ठग्स से, जो ठग थे जो उनसे लड़ाई करते थे, उनके सामान को लूट लेते थे। तो उन लोगों से इंडियंस परेशान थे और ब्रिटिश जब से आए इंडिया में तब से वो ठग का जो वॉर था या लूट था वो सब स्टॉप हो गया था। तो इसीलिए कुछ लोग बहुत खुश थे ब्रिटिश के अराइवल से, वो बहुत हैप्पी थे। लेकिन कुछ लोग ये जानते थे, ये समझते थे कि ब्रिटिश वेर नॉट गुड, दे हैव मेड देमसेल्फ एंड किल्ड देयर किंग्स, दे मेड देम स्लेव्स। कुछ लोग ये सोचते थे कि ब्रिटिश उनको स्लेव बना लिए हैं, नौकर बना लिए हैं, एंड उनके जो राजा है उनको या तो राज्य से हटा दे रहे थे या फिर उनको मार डालते थे। दिस इज पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान का पोर्ट्रेट है, वो ये सोचते थे कि ब्रिटिश अच्छे नहीं हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो फाइट किए तब तक जब तक वो जिंदा थे। नेक्स्ट इज ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। सो ड्यूरिंग दिस टाइम अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिजेस, इन्फेरियरिटी ऑफ वुमेन एक्सेट्रा बिकेम वेरी कॉमन एमंग पीपल। रिलीजियस लीडर दे प्रीच दिस आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी, दे आर नॉट अलाउिंग लोअर कास्ट पीपल टू एंटर द टेम्पल। देन इवन दे प्रिज्ड पीपल दैट दोज हु क्रॉस द सी विल लूज देयर रिलीजन, एंड वुमेन वेयर ब्लेम टू बी द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड अदर मिजरीज। सो इस टाइम पे अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिजेस और वुमेन को स्पेशली सारे प्रॉब्लम का जड़ माना जाता था। रिलीजियस लीडर जो थे, जो पुजारी थे, जो पंडित थे, वो लोग यही आइडिया, सबको यही चीज़ें बताते थे कि जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनसे टच नहीं होना है, अलग रहना है, और लोअर कास्ट के पीपल को टेम्पल्स में भी अलाउ नहीं किया जाता था। तो ये सारी बातें इस ईयर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही थी और ब्रिटिशर्स इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, एंड दे ऑल्सो सेट टू द रूलर्स दैट दिस पीपल्स, दिस इंडियन पीपल आर डिसऑनेस्ट। और उनको इंडियन पीपल्स के अगेंस्ट में, मतलब रूलर्स को इंडियन पीपल के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बताते थे। एंड ऑल्सो उनके पास और एक आइडिया वो लेके आते हैं टैक्स का, जो कि वो पुअर फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करते हैं और हैवी टैक्स कलेक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट फार्मर लॉस देयर लैंड, बट ऑल्सो ब्रिटिश स्टिल दे वर गिविंग थ्रेटनिंग टू द फार्मर दैट दे आर गोइंग टू पुट देम इन जेल इफ दे डोंट क्लियर देयर एरियर्स। वो इतना हैवी टैक्स इम्पोज कर देते हैं फार्मर्स पे ब्रिटिशर्स की, उसको चुकाते चुकाते इनके सारे ज़मीन बिक जाते हैं, लेकिन फिर भी टैक्स नहीं चुकता कर पाते हैं, और फिर भी ये ब्रिटिशर्स उनसे और टैक्स का डिमांड करते हैं, और ये भी बोलते हैं कि अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। देन नेक्स्ट सेकेंडली द गुड्स
manufactured in England were imported to India and no import duty was levied on them. जो इम्पोर्ट करते थे सामान इंग्लैंड से इंडिया में, तो वो इम्पोर्ट टैक्स जो लगता है वो बिल्कुल नहीं लगता था. एंड देयर प्रोडक्ट्स वेयर सोल्ड एट अ वेरी हायर प्राइस, और उनका प्रोडक्ट हायर प्राइस में सेल होता था इंडिया में. तो इससे क्या होता है कि जो इंडियन से जो वो सामान खरीदते थे उसे बहुत लेस प्राइस में खरीदते थे, लेकिन वहाँ से जो सामान यहाँ आता था उसे हायर प्राइस पे बेचते थे. तो यहाँ के जो लोग थे, जो आर्टिसंस थे या जो वीवर थे, तो वो उनकी जो बिजनेस थी, उनकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो सब ख़त्म होते जा रही थी और एट लास्ट ख़त्म हो जाती है. और नियर अबाउट 15 लाख इंडियन स्टार्व टू डेथ बिटवीन 1822 टू 1836. बहुत सारे फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, आर्टिसंस मारे जाते हैं गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण. नेक्स्ट इज राजा राम मोहन राय. ही वॉज अ वेल एजुकेटेड मैन. ही वॉज फ्रॉम बंगाल एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मैन टू रियलाइज दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग. ही बिलीव दैट आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट. He wanted to change the society by abandoning the prevailing superstitions which was the cause of all problem. वो हमारे society से जो superstitions belief था उसे हटाना चाहते थे. And once while talking with his wife he said cows are of different color but milk is same. एक बार वो अपनी wife से बात करते हुए ये बोलते हैं कि cow अलग अलग कलर के होते हैं लेकिन उनका जो मिल्क होता है वो सेम होता है. सो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज एंड ही ऑल्सो पब्लिश न्यूज़पेपर विच वॉज लेटर स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स जो न्यूज़पेपर वो पब्लिश करते हैं उसे ब्रिटिशर्स स्टॉप करवा देते हैं, और वो ब्रिटिशर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, इसीलिए वो इंग्लैंड भी जाते हैं और वहाँ पर ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि हम आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट किए हैं तो आपको भी हमें एज अ प्रजा जो होती है एज अ सब्जेक्ट यू हैव टू एक्सेप्ट अस. सब्जेक्ट मीन्स प्रजा, और जो भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है उसे आपको निभाना चाहिए, ऐसा वो इंग्लैंड जाके ब्रिटिशर्स को बोलते हैं. और ही ऑल्सो पुट हिज एफर्ट टू एबोलिस सती सिस्टम. सती सिस्टम जो सोसाइटी में प्रिवेल था उस वक्त चल रहा था उसे भी वो हटाने के लिए एफर्ट करते हैं, और विडो की रीमैरिज हो जाए इसके लिए भी वो सपोर्ट करते हैं. ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज. द नेक्स्ट टॉप हेडिंग इज ऑपरेशन 1765 to 1835. सो ब्रिटिशर्स दे कंटिन्यू टू फाइंड न्यू वेज टू ब्रिंग प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग टू इंडियंस. वो हमेशा नया नया तरीका ढूंढते रहते थे जिससे कि इंडियंस को प्रॉब्लम में वो डाल सके. फॉर एग्जाम्पल दे पास्ड अनफेयर सिस्टम लाइक रेगुलेशन 3 इन 1818 दैट गेव देम लॉट्स ऑफ एडवांटेज. And under this section, an Indian could be sent to jail without any trial in court. तो वो एक regulation pass करते हैं 1818 में, जिसमें ये था कि बिना किसी trial के किसी भी Indian को jail भेजा जा सकता है. Britishers were exporting goods in huge quality. वो अपने England से बहुत ही मतलब ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स लेके आते थे, और दे वर सेलिंग इट एट अ हाई प्राइस. बट वॉट एवर मटेरियल दे वर बाइंग फ्रॉम हियर फ्रॉम इंडिया दे वर बाइंग इट इन अ वेरी लेस प्राइस. और इसीलिए यहाँ के लोग डे बाय डे पुअर होते जा रहे थे, क्योंकि सामान वो हाई प्राइस में खरीदते थे लेकिन कुछ भी अगर उनको बेचना होता था तो बहुत ही लेस प्राइस में वो बेचते थे. ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी एंड हायर पोस्ट, बट इंडियन
soldiers or Indians were getting very less amount of salary and lower post. जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो उनको हायर सैलरी और हायर पोस्ट पे रखा जाता था, लेकिन इंडियन अगर कोई काम करता था अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उनको लोअर पोस्ट और लेस सैलरी पे रखा जाता था. गवर्नर जनरल बेंटिक ही हैज़ डिस्क्राइब द कॉटन वीवर इन इंडिया. ही सेज दैट वीवर्स वेयर फोर्स टू स्टार्ट बिकॉज ऑफ द कॉटन मिल सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स. वो बोलते हैं बेंटिक कि जो कॉटन मिल सेटअप हुआ जब इंडिया में, तो जो इंडियन वीवर्स थे वो गरीब होते गए, भुखमरी के कारण मरने लगे. क्यों? क्योंकि जो भी कॉटन मिल से जो क्लोथ्स निकलते थे वो मशीन के हेल्प से निकलते थे और बहुत ही चीप रेट में, लेस प्राइस पे बिकते थे मार्केट में. लेकिन जो इंडियन वीवर्स जो बनाते थे वो हाई प्राइस पे बेचते थे, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता था, हाथ से उन्हें बनाना पड़ता था, इसलिए उसे वो हाई प्राइस. नेक्स्ट हेडिंग इज डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 1856. एट दैट टाइम इन इंडिया टीचिंग्स वेयर इन संस्कृत एंड पर्सियन लैंग्वेज. सो इन 1835 अ ब्रिटिश ऑफिसर, हिज नेम वॉज मकाउली, सजेस्टेड दैट दे मस्ट ट्रांसलेट ऑल इन English language so that education will be delivered in English language. Macaulay चाहते थे कि संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाए, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज में ही एजुकेशन बच्चों को दिया जा सके. एंड वो ये इसलिए करना चाहते थे ताकि जो क्लर्क, टाइपिस्ट या फाइलिंग का काम जो ब्रिटिश को करना पड़ता था, वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे इंडियंस तो उनको इस काम पे रखा जा सकता है, कलर के पोस्ट पे रखा जा सकता है. सो बाय दिस टाइम इंडिया हैड बिकम मोर वरिड, इंडियन हैड बिकम मोर वरिड. देयर किंग वेर ट्रीटेड एज पपेट एंड they had lost their old jobs and land. Britishers were also forcing some of them to change their religion. British bhi force karne lage kuch logo ko unka religion change karne ke liye. Kuch log apna jameen kho diye, apna job kho diye, jaise artisans ho gaye, farmers ho gaye, aur fir king jo ki katputli ban gaye the Britishers ke. So by 1856 Britishers had acquired all part of India. पूरे इंडिया में उनका राज हो गया ब्रिटिशर्स का. नेक्स्ट हेडिंग इज द स्पार्क 1855 टू 1857. द इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फार्मर वर्सन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन. जो टैक्स ब्रिटिश लगाए थे फार्मर्स पे, वो उसके कारण फार्मर का जो सिचुएशन था बहुत ही ख़राब हो गया था. वो लोग बहुत गरीब हो गए थे. संथाल्स ऑफ बंगाल लॉस्ट देयर लैंड अंडर द न्यू रूल. जो संथाल्स थे बंगाल के रहने वाले, उन्होंने अपना ज़मीन खो दिया टैक्स को पे करते करते. इंडियंस हु वेर वर्किंग अंडर ब्रिटिशर्स वेर ऑल्सो डिससेटिस्फाई. तो फार्मर्स तो परेशान थे ही थे, जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जॉब करते थे वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती थी और उनका पोस्ट भी लोअर पोस्ट पे होते थे, उन्हें हायर पोस्ट कभी नहीं दिया जाता था. इवन सोल्जर्स वेर आल्सो वेरी मच डिससेटिस्फाई विद द ब्रिटिशर्स, बिकॉज सोल्जर्स को इंग्लिश पीपल ने एक कार्ट्रिज दिया हुआ था जिसमें जो ग्रीस लगा था वो काऊ और पिग के फैट का ग्रीस था जो कार्ट्रिज में लगा हुआ था, और उसे सोल्जर्स को अपने दांत से अलग करना होता था. तो इस तरह से वो काऊ और पिग का फैट उनके मुंह तक पहुंचता था, तो इसलिए सोल्जर्स भी बहुत परेशान थे. और उस वक्त के जो फेमस सोल्जर मंगल पांडे थे, उन्होंने
ही हैड अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ द ऑफ हिज रेजिमेंट एंड एग्जीक्यूटेड. उन्होंने इस बात के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स से फाइट किया. द नेक्स्ट हेडिंग इज रिवोल्ट ऑफ 1857. द पीपल अर्क टू फ्री द नेशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. पीपल चाहते थे अपने नेशन को ब्रिटिश के ब्रिटिश को यहाँ से भगाना चाहते थे लोग. द सिटी ऑफ मेरठ एक्सपीरियंस्ड अ वायलेंट आउटब्रेक. सिपॉय मार्च टूवर्ड्स दिल्ली एंड सपोर्टेड बहादुर शाह एंड रिवोल्ट कंटिन्यूड. दे गॉट सपोर्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु लॉस्ट देयर लैंड ड्यू टू न्यू लैंड रूल्स. पीपल वेर वेरी एंगरी एंड वॉन्टेड टू फाइट ब्रिटिशर्स एंड ड्राइव देम आउट फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ के लोग अब ब्रिटिशर्स से बहुत नाराज हो गए और उन्हें यहाँ से अब भगाना चाहते हैं. इसीलिए हर जगह पे इंडिया के हर पार्ट में लोग इकट्ठा होने लगे और उनके अगेंस्ट में फाइट करने लगे. और ये इसमें लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार जो सोल्जर्स सभी लोगों ने हिस्सा लिया इस फाइट में. द नेक्स्ट इज द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. मैनी रूलर्स वेर एंगरी बिकॉज इंग्लिश मैन हैड टेकन कंट्रोल ओवर देयर किंगडम. जो रूलर्स थे वो भी इनसे ब्रिटिशर्स से बहुत ही नाराज थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके किंगडम पे रूल कर रहे थे. सो लीडर लाइक अहमदुल्ला मौलाना अहमदुल्ला मोटिवेटेड पीपल टू फ्री द कंट्री फ्रॉम इंग्लिश मैन. वो मोटिवेट करते हैं लोगों को ताकि वो लोग उनके साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई करें फाइट करें. पीपल ऑफ बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद केम फॉरवर्ड इन दिस रिवोल्ट. और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया जो अलग अलग पार्ट से सभी लोग इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. फार्मर्स फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ ज्वाइंड देम बिकॉज हर किंगडम हैड बीन टेकन बाई ब्रिटिशर्स. तो बेगम हजरत महल भी उनको सपोर्ट करती है क्योंकि उनका किंगडम भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया था. सो एंटायर नॉर्थ इंडिया केम टुगेदर टू फाइट बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर. सो पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग एक साथ मिलके रूलर्स सोल्जर्स फार्मर्स सभी एक साथ मिलके रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. इन दिस रिवोल्ट 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड ही वॉज हिट बाय द बुलेट इन हिज रिस्ट. 80 ईयर्स के कुंवर सिंह भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनको इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स की तरफ से गोली लग जाती है और जो ब्लड निकलता है उनके रिस्ट से तो उसे वो मदर गंगा को ऐसा ऑफरिंग सौंपते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन. थैंक यू.